मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों बहुत सारे भाई बहुत सारे बेटे बहुत सारे नौजवान एक सवाल तकरीबन हर मजलिस में पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये पेशाब के बाद कतरे क्यों आते हैं इनका इलाज क्या है मेरे मोहतरम भाइयों तीन बातों को समझना है सबसे पहली बात प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मनी है एक मजी है और एक नदी है अब बहुत सारे भाई सवाल करते हैं डॉक्टर साहब ये जो हम फ़ोन पे बात करते हैं अपनी बीवी से अपनी मंगेतर से तो हमें वो लेज़दार पानी आना शुरू हो जाता है तो क्या उस पर भी हमें गुसल करना है बहुत सारे भाई हैं बहुत सारे बेटे हैं जो ये सवाल करते हैं डॉक्टर साहब जब हम पेशाब करते हैं तो उसके बाद कतरे आते हैं मेरे मोहतरम भाई और बहनों हमें अपने बच्चों को ये बात बहुत तफसील से बतानी चाहिए हमारे माशरे में क्योंकि इसका रुझान ही नहीं रवाज ही, ही नहीं कि अपने बच्चों को हमें कौन सी बातें बतानी चाहिए थी और कौन सी बातें नहीं बतानी चाहिए ये वो बातें हैं जब पेरेंट्स माँ बाप अपने बच्चों को ये बातें नहीं बताएंगे तो मुझे बताओ ये बातें कौन उनको बताएगा अच्छा स्कूल में ऐसा माहौल नहीं और इसके लिए कोई ऐसा टीचर नहीं मसाजिद के अंदर मदारस के अंदर इन चीज़ों को मायूब समझा जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में इससे रेलिवेंट कोई सब्जेक्ट ही नहीं तो बेचारे बच्चे इन बातों को किससे जानते किससे पूछते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की थी अब जो भाई और बहनें हैं वो इसको अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं अब बेचारे बच्चे कहां जाते हैं बेटे कहां जाते हैं उन लोगों के पास जिन्होंने उनसे माल कमाना है अब वो उनको इनके बारे में ऐसी मिस इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो बेचारे ये समझते हैं पता नहीं ये हमारे ऊपर क्या क्या टूट पड़ी मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों सबसे पहली बात अपने बच्चों को जो आप लोगों ने बतानी है मनी और चीज है मजी और चीज है नदी और चीज है मनी के ऊपर वजू और गुसल है मजी के ऊपर सिर्फ वजू है और जो नदी है मेरे मोहतरम भाइयों इसके ऊपर छींटा है प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद अलैहि ये जो पेशाब के बाद कतरे आते थे उसके ऊपर सिर्फ छिंटे मारते थे तीन बार चुल्लू पानी लेते थे छिंटा मारते थे जो मजी है उसके लिए आप वजू दोहराते थे और जो मनी है इसके ऊपर वोसल है अब आज की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो बताती है ये ड्रॉप्स क्यों आते हैं ये पेशाब करने के बाद ये नदी क्यों जारी हो जाती है मेरे मोहतरम भाइयों इसका सबसे बड़ा सबब हमारे जिसम में उन चीज़ों की कमी है उन चीज़ों की डेफिशिएंसी है जो हमारे बदन का जुज़ थी यानी जब हमारी डाइट अच्छी नहीं होती जब हमारा खाना पीना अच्छा नहीं होता तो मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों हमारे जिसम के जो मसल्स हैं उनकी जो अलास्टिसिटी है ये कमज़ोर पड़ जाती है मसलन, जो हमारा यूरनरी ट्रैक है उसके जो स्पेसिफिक मसल्स हैं अब उसके अंदर जो यूरन है ये एसिड है ये तेज़ाब है अब हमारे जिसम के अंदर जहां तेज़ होगा उसको न्यूट्रल करना था और न्यूट्रल करना था अल्कलाइन ने और हमारी बॉडी में अल्कलाइन प्रॉपर्टी सिर्फ स्लाइवा की है ये जो आपका थूक है ये अल्कलाइन है अल्कली जब एसिड से मिलती है उसको न्यूट्रल करती है इसीलिए हमें हुक्म दिया गया कि खाने को बत्तीस बार चबाओ ज्यादा से ज्यादा चबाओ ताकि उस खाने के अंदर स्लाइवा ऐड हो यह स्लाइवा यह लुआब यह अल्कलाइन प्रॉपर्टी था अब हमारे यहां इसका रवाज ही नहीं अब हमारे यहां खाना जल्दी जल्दी निकला जाता है अब उसकी वजह से हमारे जिसम में जब एसिड का लेवल बढ़ता है तो वो हमारे स्किन को डैमेज करता है जब स्किन डैमेज हुई तो वहां पे अल्सर हो जाते हैं जख्म हो जाते हैं और आपने अक्सर देखा होगा कि यूरन का जब टेस्ट करवाते हैं उसमें से पस आती है समटाइम उसमें से एपिथीलियर टिश्यूज आते हैं समटाइम उसमें से ब्लड आता है जिसको आरबीसी कहते हैं अब ये इंफेक्शन किस वजह से हुई एसिड के बढ़ने की वजह से और हम क्या करते हैं हम उस सबब को उस वजह को दूर करने की कोशिश नहीं करते हम उसके लिए दवाइयां खानी शुरू कर देते हैं इलाज क्या था सबसे पहला इलाज ये था कि अपने खाने को प्रॉपर करो मट्टी के बर्तन में जो खाना पकेगा वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखेगा जो सिल्वर में स्टील में नॉन स्टिक में डेफलॉन में प्रेशर कुकर में पकेगा जो प्लास्टिक के बर्तन में आएगा वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखेगा तो हमें क्या करना चाहिए था अपने खाने को प्रॉपर करना था उसके पकाने के तरीके को प्रॉपर करना था अब पेशाब के बाद जो कतरे आ रहे हैं या पस आ रही है या पीप आ रही है या उसमें से एपिथीलियल टिश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए परेशान नहीं होना या उसमें से ब्लड आना शुरू हो गया परेशान नहीं होना बल्कि उसकी जो रीजन है उस रीजन को फर्स्ट ऑफ तो ऑल जानना है और उसका इलाज शुरू करना है उस वजह को बंद करना है इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों ये जो पेशाब के बाद या फोन करने पे या पॉन वीडियोस देखने पे पॉन पिक्चर देखने पे जो मनी के ड्रॉप आते हैं जो लेसदार मादा आता है वो मजी कहलाता है वो जो मजी है जब हमने फोन किया हमारे कान में हमारे हम जिन्स की साउंड गई और उससे मेरे मन में चाहत पैदा हुई डिजायर पैदा हुई और उससे मुझे अरेक्टेशन हुई और उसकी वजह से जो लेज़दार मादा निकला वो मजी कहलाता है अब मजी एक डिफरेंट चीज है नदी एक डिफरेंट चीज है और मनी एक डिफरेंट चीज है अब ये जो मजी है ये वो मवाद है जो हमें इरिटेट करता है हमारे अंदर इरिटेशन पैदा करता है हमें तहरुख देता है जो उभारता है अब ये जो आया इसके पीछे सबब क्या है हमारे वो नेगेटिव थॉट्स, और समटाइम नेगेटिव थॉट्स नहीं भी होते हम इमोशनली एक चीज में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस इमोशनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से टाइम ये मजी आना शुरू हो जाती है हम साइकोलॉजिकली इमेजिनेशन में हम एक हमारा माइंड इस पीक लेवल पे चला जाता है कि हमारी बॉडी से वो सक्रिशियन आना शुरू हो जाती है जिसको मजी बोलते हैं इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने वजू को करना है तीसरी चीज मनी है जब वो हमारी बॉडी से निकलती है तो उसके ऊपर मेरे मोहतरम भाइयों हमें गुसल करना है अब नदी के लिए सिर्फ अपनी बॉडी को अल्कलाइन प्रॉपर्टी वाली चीजें दो और आजकल बेहतरीन चीज गाजर सेब और चकंदर है इसका तीनों का रस तीन इसे सेब और गाजर का रस मिस करो और एक हिस्सा चकंदर का रस मिला के ये पिलाओ मेरे मोहतरम भाई और बहनों ये बेहतरीन इलाज है सर्दियों के अंदर ये जो नदी आती है यह जो मज़ी आती है यह जो पेशाब के बाद आपको चाहे यूरन के ड्रॉप आए या पेशाब के बाद लेज़दार मादा आए ये बेहतरीन इलाज है और एक बात याद रखो इसके साथ कोई वीकनेस नहीं आती कोई कमज़ोरी नहीं आती ये एक नेचुरल प्रोसेस है हाँ सिर्फ बॉडी में समटाइम कुछ चीजों के डिस्टर्ब होने से इनबैलेंस होने से प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों को जिन लोगों ने चीजें बेचनी है वो आपको बताएंगे इससे कमर टूट जाएगी तुम्हारी कमर में दर्द शुरू हो जाएगा हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी जोड़ कमज़ोर हो जाएंगे पट्ठे कमज़ोर हो जाएंगे नज़र कमज़ोर हो जाएगी चक्कर आना शुरू हो जाएंगे घबराहट शुरू हो जाएगी आपका रंग पीला पड़ना शुरू हो जाएगा आपका सांस उखड़ना शुरू हो जाएगा आपको ये बीमारी हो जाएगी ये ये सारी की सारी मेरे मोहतरम भाई और बहनों उन लोगों की इन्फॉर्मेशन हैं जिन्होंने इसके मतलब आपको प्रोडक्ट बेचनी है दवाइयाँ बेचनी है ये एक नेचुरल प्रोसेस है ये एक नेचुरल प्रोसेस है इसके ऊपर परेशान नहीं होना पेशाब के बाद जो आपको पेशाब के कतरे आते हैं मैंने पहले भी कई बार अपने लेक्चर्स में ये बताया उसको क्या करना चाहिए उसको तीन काम करने चाहिए सबसे पहला काम कि आपने जो यूरन पास किया है, अगर तो आप प्रॉपर तरीके से यूरन पास करो यानी आप, आपकी ये जो थाइज़ हैं ये प्रॉपर आपकी बैली के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करें तो जो बैठने का तरीका बताया है पाओ के बल बैठ के अपनी एक एड़ी को उठा के अपने हाथों को यहां रख के तो अगर आप यूरन पास करोगे तो आपको ड्रॉप कभी आएंगे नहीं अगर फिर भी ड्रॉप आते है तो आप यूरन पास करने के बाद बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़े हो जाए यू स्टेट खड़े हो यो स्ट्रेट खड़े होकर अपने पंजों के ऊपर अपने पंजों पे यू खड़े हो जोर से इसको नीचे मारे फिर ऐसे खड़े हो जोर से इसको नीचे मारे अच्छा। यानी आपको दस बार अपने पंजों पे पूरा खड़े होके एडियों पे जोर से मारे तो जब आप दस बार मारेंगे और उसके बाद दोबारा बैठ के यूरन पास करें आपको कभी यूरन का ड्रॉप नहीं आएंगे या आप दस बार यू स्टेड खड़े हो फिर बैठ जाए फिर खड़े हो फिर बैठ जाए उसके बाद दोबारा दस बार खड़े होके बैठ के आप दोबारा यूरन पास करें आपको कभी यूरन के ड्रॉप नहीं आएंगे इसके साथ तीन तरीके ये बताए बैठ के प्रॉपर जो तरीका यूरन पास करें अपने एड़ियों को अपने पंजों पे खड़े होकर अपनी एड़ियों पे जोर से जमीन पे मारें और दस बार उठें बैठें और उसके बाद यूरन पास करेंगे आपको यूरन के ड्रॉप नहीं आएंगे और इसके साथ ये जो मजी के ड्रॉप आते हैं उसके लिए आपको कोई दवाई नहीं चाहिए क्या करना उसके लिए उसके लिए सिंपल आप अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है आप इसको बदल नहीं सकते जैसे भूख लगी खाने को देख के मुंह में पानी आएगा प्यास लगी पानी को देख के मन ललचाएगा बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी से कोई ऐसी बात करेंगे डायलॉग्स इंटरचेंज करेंगे गुफ्तगु करेंगे कन्वर्जेशन करेंगे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है इसके ऊपर परेशान नहीं होना इसके ऊपर कोई दुख वाली परेशानी वाली तकलीफ वाली अजियत वाली कोई बात नहीं है इससे कुछ बीमार नहीं होता ये सिर्फ और सिर्फ वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है जिसके जरिए से आप लोगों का दिमाग खराब किया जाता है आप लोगों से पैसे बटोरने के लिए आपको बताया जाता है जब तक आपको सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपकी पॉकेट से सॉलिड किस्म के पैसे नहीं ले सकेंगे इस वजह से यह मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है और जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं सफेद मुसली ले लो सियाह मुसली ले लो असगंध नगोरी ले लो कूजा मिसरी ले लो ये मेरे मोहतरम भाइयों ये चीजें आपके सिमंस को गाढ़ा करती हैं ये आपको तकवीय देती हैं जब उसको तकवीयत मिलती है तो ये वी प्रॉब्लम होती नहीं है अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो इन रहमान आप अपनी इन सारी प्रॉब्लम को बिना दवाई के आप ठीक कर सकते हैं अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुबहान तमें इस्लाम को उस तरह समझने की जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्ला वसलम ने समझा साहबा ने समझा और समझ के इसको पूरी दुनिया में फैलाया अल्लाह अबहान ताली हमें इस दीन को समझने की समझ के अमल करने की और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को कायनात के हर कच्चे और पक्के मकान में पहुँचाने की तोफ़ी अतः फ़रमाए व